हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हम लोगों का लंच रूटीन। और आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ हरे प्याज आलू की सब्ज़ी, दाल और चावल, और उसके साथ बनाऊँगी सिंपल सा रायता। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जितने देर मैं कुकिंग करूँगी उतने देर शिवाय शांत रहे, इसलिए उसको मैं हाई चेयर पर बैठा दी हूँ और कटोरा में उसे दे दी हूँ मैं थोड़ा सा पफ्ड राइस, ताकि वो थोड़े देर पफ्ड राइस में लगा रहे। और उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ हम लोगों के लिए लंच। तो सबसे पहले मैंने काट के रखा हुआ है ऑनियन को एक तरफ, और एक तरफ मैं डाइस कर ले रही हूँ पोटैटो। और इसके साथ साथ मैंने दाल भी कुकर में पैक कर लिया था, और जैसे ही उसमें 2 से 3 विसल आया मैं उसे बंद करके और साइड में रख दी हूँ, और लास्ट में लगाऊंगी उस दाल में छौंका। तो अभी सबसे पहले सब्ज़ी बना लेते हैं। तो सब्ज़ी के लिए मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रखा है। कढ़ाई के गर्म होते ही उसमें मैंने ऐड किया ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल के गर्म होते ही मैंने तेल में डाला है हींग और मेथी दाना। तो मेथी दाना जैसे ही पिंक हो जाएगा उसमें मैं ऐड कर दूंगी कटा हुआ प्याज, और प्याज के साथ मैं यहाँ पे आलू भी डाल दे रही हूँ। आलू इसलिए मैं पहले ही डाल रही हूँ क्योंकि वो कुकिंग टाइम आलू का थोड़ा ज़्यादा होता है, वो थोड़ा मैं बड़ा काटी भी हूँ तो वो सीजने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और एक बार प्याज और आलू को मैंने तेल में डाला तो उसमें लगाऊंगी एक अच्छा सा स्टर। और मसालों में मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, और फिर सब्ज़ी में दूंगी एक अच्छा सा मिक्स। और अभी सब्ज़ी को मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद मैं सब्ज़ी में ऐड कर रही हूँ कटा हुआ हरा प्याज। तो इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और अच्छी तरीके से धो के और फिर इसे मैं ऐड की हूँ सब्ज़ी में। हरा प्याज ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट और भूनेंगे ये सब्ज़ी, और इसमें कंटिन्यूसली स्टर देते रहेंगे। 1 से 2 मिनट भुनने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कवर करके छोड़ दिया था कढ़ाई। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटे हुए टमाटर, और टमाटर ऐड करते ही इसमें एडजस्ट कर देंगे सॉल्ट, और फिर से सब्ज़ी को देंगे एक अच्छा सा मिक्स, जिससे कि जो भी सब्ज़ी में मैंने डाला है जैसे नमक और टमाटर, तो वो अच्छी तरीके से सब्ज़ी में मिक्स हो जाए। और फिर से कढ़ाई को कवर करेंगे और छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद फिर से चेक करेंगे और सब्जी में देंगे एक अच्छा सा मिक्स। और इस स्टेज के बाद से ना बार बार चेक करते रहेंगे आलू सीझा है या नहीं सीझा है, मतलब प्रॉपरली गलना चाहिए आलू। तो मुझे लगा कि थोड़ा और कुक होगा आलू, इसलिए मैं अभी इस स्टेज पे इस सब्ज़ी को थोड़ा सा कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए और पकने दूंगी। और इन द मीन वाइल मैं एक तरफ राइस भी कुक होने के लिए रख दी हूँ। 2 से 3 मिनट के बाद मैं कवर हटा के और चेक कर रही हूँ आलू की सब्ज़ी को। तो आलू अभी भी कुक नहीं हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी सब्ज़ी में ऐड किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सब्ज़ी बॉटम में लग रही थी। तो पानी ऐड करने के बाद फिर से कवर करके और 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट होने के बाद फिर से सब्ज़ी में देंगे एक अच्छा सा स्टर, और इस स्टेज में फिर से एक बार चेक कर लेंगे आलू कुक हुआ है या नहीं हुआ है। तो मुझे लगा कि थोड़ा और आलू कुक होगा, इसलिए मैंने कढ़ाई का लिड को लगाया और फिर से कुक होने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दी हूँ मैं। 2 से 3 मिनट के बाद फिर से चेक कर रही हूँ कि आलू को प्रॉपरली कुक हुआ है नहीं। तो इस स्टेज पे मुझे ऐसा लगा कि आलू अच्छे तरीके से कुक हो चुका था, तो मैं बस सब्ज़ी को दे रही हूँ एक अच्छा सा मिक्स। और अभी इस स्टेज पे बस गैस कुक करेंगे बंद, क्योंकि सब्ज़ी बन के रेडी हो चुका है। तो अभी मैं सब्ज़ी को ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ सर्विंग बोल में।
तो ये सब्ज़ी बहुत ही डिलीशियस बना था। जिस तरह से मैं बनाई हुई ये सब्ज़ी, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो एक तरफ मेरा राइस भी बनके रेडी हो चुका है, तो मैं अभी लगाऊंगी दाल में छौंका। तो मैंने गैस को ऑन किया, उस पर कढ़ाई रखा है गर्म होने के लिए। तब तक मैंने रायता तैयार कर लिया। तो रायता में मैंने सिर्फ ऐड किया है दही, बूंदी, और मैं इसको सीज़न कर रही हूँ बुकनो मसाला से। ये मसाला बेसिकली चाट ये सब के लिए आता है, तो मेरे पास था, तो मैं अभी रायते में ऐड कर दी हूँ उसको। और कढ़ाई के गर्म होते ही मैंने कढ़ाई में ऐड किया था घी, उसमें ऐड की थी जीरा, हींग, और जैसे ही जीरा क्रैकल हो गया तो मैंने ऐड कर दिया कुक किया हुआ दाल, ये मैं कुक करके रखी हुई थी। और बस मैं एडजस्ट करूँगी अभी इसमें पानी, तो मेरे हिसाब से ये दाल थोड़ा सा गाढ़ा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ गर्म पानी। पानी ऐड करने के बाद दाल को करेंगे मिक्स, एक अच्छा से इसमें स्टर देंगे और बस एक बॉईल आने का वेट करेंगे और इसे लीड लगा के छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए कुक होने के लिए लो फ्लेम पे। और 5 मिनट के बाद लिड को हटा के चेक करेंगे दाल का क्या है कंसिस्टेंसी, अगर एप्रोप्रिएट रहा तो इसको बस फिनिश करेंगे हरा धनिया के साथ। तो हरा धनिया डालने के बाद ना, कई लोग इसे बॉईल करते हैं, कई लोग नहीं बॉईल करते हैं। मुझे हरा धनिया डालने के बाद 1 से 2 मिनट में बॉईल करती हूँ इस दाल को, और जो हरा धनिया का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से दाल में मिल जाता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि हरा धनिया ऐड करने के बाद भी मैं दाल को थोड़ा सा कुक होने के लिए छोड़ दूँ। तो अभी दाल बनके परफेक्टली तैयार हो चुका है, जिस तरह का कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए उस तरह का कंसिस्टेंसी भी आ गया है दाल में। तो बस अभी मैं करूँगी गैस को ऑफ और इसे सर्व कर लूँगी हम लोगों के लिए। और आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि मैंने अपनी हाउस हेल्प को मना कर दिया है आज से ही, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने सुना कि वो लोग अब अवॉइड कर रहे हैं अपने घर पे किसी को बुलाना। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि मेरे घर पे बच्चा है और मुझे ये सब थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना चाहिए, तो मैं आज ही से मना कर दी थी हाउस हेल्प को मेरे घर पे आने के लिए। इसलिए मैं सोची कि कुकिंग के बाद मैं जितना भी साफ़ सफाई वाला काम है वो लगातार ही कर लूँ फिर, क्योंकि खाना खाने के बाद ये सब क्लीनिंग का ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता है। 2 बर्तन का काम रहेगा बट देन थोड़ा सा साफ़ कर लो तो थोड़ा हल्का हो जाता है काम। इसलिए मैं सोची कि खाना बना के और ये काम को थोड़ा सा कर ही लूँ। करो, अच्छे से करो और करो। चलो, हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड शिवू। चलो, ये क्या है? जू। जे, वेरी गुड। इसको ब्लू कलर करना है। देखो लिखा है यहाँ पे, ट्रेस द जे विथ ब्लू कलर। ओके शिवा, आप बाहर नहीं निकालोगे ओके आप? ठीक है, जे के अंदर ही करना। हाँ, क्या हो गया? व्हाट हैपन? चलो करो करो करो। जे फॉर जा। वेरी गुड। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। इस दिन मैंने शिवाय को थोड़ा सा पढ़ने के लिए बैठाया था एक्चुअली, तो जो भी वो पढ़ चुका है अभी तक अपने स्कूल में, बस वो मैं सोची कि थोड़ा सा उसे रिवाइज करा दूँ ताकि वो भूले नहीं, क्योंकि अभी कितना दिन हम लोगों को शिवाय का स्कूल बंद रहेगा वो हम लोगों को नहीं पता है, तो इसलिए मैं सोची कि रिवाइज करा देती हूँ जो भी वो पढ़ा है स्कूल में।